तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो ये दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 से लेकर हुआ था 6 अप्रैल 1930 तक। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी इरविन समझौता, या इसी को कहते हैं दिल्ली पैक्ट, क्योंकि दिल्ली में इरविन और गांधी के बीच समझौता हुआ था, इसी को दिल्ली पैक्ट कहते हैं। ये कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। अब आप देखते हैं ये इसको क्या कहते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे और इसमें कौन कौन था भारत की ओर से और कौन कौन नहीं था। तो ये जो गोलमेज सम्मेलन होते थे ये भारत में शासन करने के बारे में होते थे कि भारत में कैसा शासन किया जाए। तो ये प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था, गोल सम्मेलन में क्या होता है, गोल गोल मेज होती है, फिर चारों तरफ कुर्सी उसके पड़े होते हैं और तब लोग वहाँ पे बैठते हैं। ये कब हुआ था? ये हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। इसमें क्या हुआ था, इसमें भारत की ओर से जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस, इससे किसी ने भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, जिस कारण ये भाग नहीं लिए थे। फिर तो इसमें कौन भाग लिया था? इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो दलितों के हक के लिए लड़ रहे थे। इसमें थे तेज बहादुर गफरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें कौन कौन थे भारत की ओर से? इसमें थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और तेज बहादुर सफरू। फिर द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ, ये कब हुआ? ये 7 सितंबर 1931 को हुआ। इसमें गांधी जी ने भाग लिया, क्यों? क्योंकि गांधी इरविन बीच के समझौता हुआ और इरविन ने गांधी जी की बात मानी और सभी राजनीतिक कैदियों को आज़ाद कर दिया। और ये इरविन ने कहा कि हम भाई आपकी बात मानते हैं और आप द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लीजिए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है और गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। तो इसमें भारत की ओर से कौन कौन थे? इसमें भारत की ओर से थे गांधी प्लस अंबेडकर साहब थे इसमें, और प्लस तेज बहादुर। लेकिन क्या हुआ, जो ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनल्ड, इसने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, जिससे गांधी जी सम्मेलन छोड़कर चले आए। और जब सम्मेलन छोड़कर चले आए तो और आए जब बम्बई बंदरगाह पे उतरे तो कहा कि भाइयों हम भारत के लिए कुछ अच्छा तो नहीं कर पाए पर भारत को टूटने भी नहीं दिए। और जब ये लौट कर आए तब भगत सिंह को फांसी हो गई। भगत सिंह को कब फांसी हुई? 12 मार्च 1931 को
भगत सिंह को फांसी दे दिया। आप जब गांधी जी आए, कहीं इरविन से पूछे कि तुमने फांसी कैसे दे दिया, जब हमने कहा था कि सभी कैदियों को आज़ाद करो, तब इरविन ने कहा कि आपने ये कहा था ना कि सभी राजनीतिक कैदियों को आज़ाद करो, लेकिन ये जो भगत सिंह थे ये तो आपराधिक कैदी थे, इसलिए हमने इसको फांसी दे दिया। अब यहाँ ये जो अंग्रेज थे ये खेल गए, ये चाल खेल गए और भगत सिंह को इन्होंने फांसी दे दी। ठीक, और गांधी जी अगर जिद कर देते कि जब तक ये भगत सिंह को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम इंग्लैंड नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री से मिलने, अर्थात द्वितीय गोल सम्मेलन में हम भाग नहीं लेंगे, लेकिन गांधी जी तब उतना ध्यान नहीं दिया और कहे कि भाई सभी राजनीतिक कैदी को छोड़ दिया जाए। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये भगत सिंह को नहीं छोड़ेंगे और यहाँ अंग्रेज खेल गया और भगत सिंह को फांसी दे दी। अब जब गांधी जी आए यहाँ बम्बई बंदरगाह पे उतरे और कहा कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः से फिर चालू होगा। अब ये रविजय मैकडोनल्ड फोल के इरविनवा को कहा कि ये गांधी तो बहुत खतरनाक आदमी है, 20 सम्मेलन से उठ के चला गया, हम लोग रोकते रहे लेकिन ये रुका ही नहीं, चला गया। तब इरविनवा कहा कि अब पता चला, हमको तो फ़ोन करके वहाँ से बहुत कहते थे कि तुम गांधी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अब पता चला गांधी कैसा आदमी है। मैकडोनल्ड कहा डाल दो गांधी जी को जेल में, और गांधी जी को पूना के यरवदा जेल में डाल दिया गया। अब जब गांधी जी को जेल में डाल दिया गया फिर क्या हुआ, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक, ये कब हुआ, ये हुआ 17 नवंबर 1900, 24 दिसंबर 1932। इसमें क्या हुआ, इसमें भारत की ओर से कौन थे, इसमें कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं था, तो इसमें कौन कौन थे, इसमें अंबेडकर साहब थे, प्लस तेज बहादुर, अब इसमें तृतीय गोल में सम्मेलन में क्या हुआ कि जो रविजय मैकडोनल्ड था इसने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। अब भैया जब गांधी जी को ये बात पता चली, अब गांधी जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, अब इनको बहुत धक्का लगा कि अब हमारा देश टूट जाएगा। अब गांधी जी सोचे यार कि क्या करें, हम जेल में हैं, मतलब क्या उपाय किया जाए, तो गांधी जी क्या किया, अनशन पर बैठ गए और खाना पीना छोड़ दिया। जब छोड़ दिया खाना पीना तब क्या हुआ कि तेज बहादुर गफरू और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से गांधी और इनके अंबेडकर साहब की मीटअप कराया गया, मतलब समझौता कराया गया। अब जब समझौता कराया गया तो गांधी जी अंबेडकर साहब से बोले कि अंबेडकर साहब, हम दलितों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया तो वो एक स्थान से चुनाव लड़ेंगे, किसी एक निश्चित स्थान से, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो मतलब एक अलग देश की मांग करेंगे, जैसे कि जिन्ना कर रहा है पाकिस्तान की मांग। तो ये अंबेडकर साहब कहे कि हाँ ठीक है गांधी जी, आप सही कह रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि आप ये 71 आरक्षित सीटों के साथ कह रहे हैं, हम दलितों के लिए 148 आरक्षण सहित 148 सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र देने के लिए तैयार हैं। तो हरिजन सोचे, जो मतलब दलित थे, ये सोचे कि हाँ यार ठीक है, ये अंबेडकर साहब 71 सीटों की बात कर रहे थे, गांधी जी 148 कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आखिर में क्या हुआ कि इनको दलितों को आरक्षण सहित 148 सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। और जो अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच मीटअप हुआ था, समझौता हुआ था, उसको क्या कहा गया, पूना समझौता कहा गया, पूना समझौता। ये कब हुआ था, 1932 में। अब
अब गांधी जी क्या किए, दलितों के लिए इन्होंने जो दलित थे दलितों को हरिजन कहा और एक अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ बनाई। क्या किया, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ गठन किया। फिर ये आगे इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहेंगे ऑल इंडियन अनटच एबिलिटी लीग। फिर ये आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाया, आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाया। अब क्या हुआ, ये जो हरिजन थे दलित थे ये भी गांधी जी के फेवर में आ गए, हरिजन सेवक संघ। ठीक, अब इतना हो गया, अब आज यहीं तक रहने देते हैं।